माई ब्यूटीज वेलकम बैक टू माई चैनल fragrance.in डॉट इन आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ दो प्रोडक्ट इन दोनों प्रोडक्ट को आपके सामने मैं कंपेयर करूंगी और बताऊँगी ऑनेस्ट रिव्यू कि विच वन इज द बेस्ट फॉर माई ब्यूटीज तो फर्स्ट वन है हिमालय काजल एंड सेकेंड वन लक में आइकॉनिक काजल तो गाइज मैं इनको कंपेयर करने वाली हूँ वॉच द वीडियो टिल द एंड मिस नहीं करना है आपको mm -hmm. तो ब्यूटी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे हिमालय के प्योर एक्सप्रेशन काजल की जो कि एक पेन स्टाइल में आता है ये ब्लैक कलर का पूरा पेन है और ये हमारा जो काजल है वो भी ब्लैक कलर का है और इसमें बताया हुआ है कि स्मज प्रूफ है वाटर प्रूफ है और 100% परसेंट नेचुरल ब्लैक कलर है उसका नेट वेट है 0.30 ग्राम और इसका प्राइस मैंने नीचे आपको लिंक में दे दूँगी इसका प्राइस आई थिंक वन एटी के आसपास का है ये और मैं आपको बता दूँगी क्लियरली और अगर मैं इसकी पेन की बात करूँ कि इसकी पैकेजिंग कैसी है तो काफ़ी सॉलिड इसका पेन है और मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितना डीप ब्लैक है और ये वैसे ट्रैवल फ्रेंडली है आप इसको कहीं पे भी अपने बैग में इजीली लेके जा सकते हैं ये खुलेगा नहीं और आपका जो काजल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो मैंने ये थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाल लिया है और मैं अब अपने हैंड पेस को आपको दिखाऊँगी कि कितना डीप ब्लैक है देखिए देखिएगा इसे मैंने थोड़ा सा चलाया है और इस जैसे इसमें बताया हुआ है कि ये डीप ब्लैक है बिल्कुल ऑफ़ कोर्स ये बिल्कुल डीप ब्लैक लग रहा है और अगर मैं इसकी बात करूँ कि इतना ही ये स्टे करेगा तो मैं इसको अभी रब करके दिखाती हूँ हल्का सा स्वाइप करती हूँ एट गाइज ये एक ही स्वाइप में हट गया है लॉन्ग लास्टिक कहते हैं ये और स्मज प्रूफ कहते हैं तो ये मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये लॉन्ग लास्टिंग है और स्मज प्रूफ है आप खुद देख सकते हैं कि कितना ही लॉन्ग लास्टिक लग रहा है अगर मैं लैकमे का काजल कंपेयर करूँगी तब मैं आपको बता सकूँगी दोनों में से विच वन इज़ बेटर सो अभी इसको तो मैं लॉन्ग लास्टिक और स्मच प्रूफ नहीं कह सकती ये आई थिंक वन और टू आवर ही चलेगा और स्मच प्रूफ तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे और अगर मैं बात करूँ इसकी इंग्रेडिएंट की तो इसमें इंग्रेडिएंट हमें दिए गए हैं एक है रोज़ एक्सट्रैक्ट और आलमंड दोनों ही अच्छे वो हैं अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं नेचुरल हैं और ये है भी हिमालय का नेचुरल मैं एक बार और दोबारा आपको करके दिखा देती हूँ सेकंड टाइम ये देखिए मैंने इसकी सेकेंड और थर्ड लेयर लगा ली है गाय ये बिल्कुल भी स्टे नहीं कर रहा है मेरे हैंड पे ही स्टे नहीं कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि ये अपने आइज पर कितना स्टे करेगा तो मैंने आपको बिल्कुल ऑनेस्ट इसका रिव्यू दिया है कि आप इसको बाय करें या नहीं अब मैं सेकंड बता रही हूँ आपको लैक में आइकॉनिक काजल डीप ब्लैक और ये भी 22 टू आवर्स का आ, स्टे का चैलेंज रखते हैं और लॉन्ग लास्टिंग और स्मच प्रूफ कहते हैं तो अगर मैं इसका डेमो आपको दूंगी ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है और ये भी डीप ब्लैक है और इसका प्राइस की बात करूँ तो ये वन एटी रुपीज़ में आता है अगर आप अभी किसी साइट पे चेक करेंगे मैं नीचे लिंक में दे दूँगी तो ये ऑफर हो के वन फोर्टी या वन थर्टी फाइव के अराउंड अब मिल जाता है और ये बिल्कुल डीप ब्लैक है सी गाइज़ मैं आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ लैकमेन का आइकॉनिक काजल का मैं रिव्यू आपको देने वाली हूँ नाउ आई एम ओपनिंग इट मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ इसकी कैप लूज़ है आ, आ, उसकी हिमालय के काजल से कंपेयर करो तो उसकी कैप टाइट थी वो जल्दी से खुल नहीं सकती थी ये इजीली ओपन हो गई है मैं आपको इसका डेमो देती हूँ कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है अब मैंने थोड़ा सा ओपन कर लिया है ये काजल हम ज़्यादा नहीं खोलेंगे क्योंकि फिर काजल गिरने का यह ख़राब होने का डर रहता है अब मैं अपने हैंड पे इसको चला के दिखाऊँगी आपको देखिए गाइस एज़ टू कंपेयर अगर मैं हिमालय के काजल से कंपेयर करूँ तो ये उतना डीप ब्लैक नहीं है बल्कि इसका नाम डीप ब्लैक है पर ये उतना डीप ब्लैक नहीं लग रहा है ऐसे कंपेयर करके आपको बताऊँ तो ये इतना डीप ब्लैक नहीं है हिमालय का काजल इससे ज़्यादा डीप ब्लैक था मैं आपको दोबारा उसका एक बार डैमो दिखा दूँगी वो ज़्यादा डीप ब्लैक है एज़ टू कम्पेरिजन लैकमे के और गाइज काजल इसके साथ दोपहर कंपेयर करके दिखा रही हूँ आपको समझ में आ जाए कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा बाय करना और कौन सा लॉन्ग लास्टिक है हमारी आईज के लिए देखिए गाइस हिमालय का काजल थोड़ा डीप ब्लैक है बहुत ज़्यादा डीप ब्लैक है बट वो स्टे नहीं कर रहा है स्टे के मामले में वो थोड़ा वीक बैठ रहा है बट अगर हम आइकॉनिक काजल की बात करें तो वो फिर भी बहुत स्टे कर रहा है बट डीप ब्लैक के लिए नंबर वन है हमारा हिमालय काजल एंड अगर लॉन्ग लास्टिंग की बात करें तो उसके लिए है हमारा आइकॉनिक लैक्मे का काजल तो मैंने आपको दोनों काजल का रिव्यू और डैमो आपको करके मैंने दिखा दिया है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा बाय करना है गाइस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं हिमालय का काजल यूज़ करना पसंद नहीं करती क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्टे नहीं करता के काजल ने स्मच uh, प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग की बात कही गई है वहाँ वो फेल हो गया है और ब्लैक वाइज वो ऑसम awesome है और लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से मैं लैकमे को प्रेफर करूँगी और, और मैं खुद भी लैकमे का काजल ही यूज़ करती हूँ सो गाइज़ आपको मैंने दोनों का कंपेयर कर दिया है आप अब आप, आपके ऊपर है कि आप कौन सा यूज़ करना पसंद करेंगे गाइज़ ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको दोनों काजलों का कंपेयर का किया है अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तब तक के लिए गुड बाय